हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम टू मैथ्स वर्ल्ड एंड वेलकम टू क्लास सिक्स। दिस इज द सीरीज ऑफ ऑक्सफर्ड में एंजॉइंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स। सी स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोज के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है। टूडे वी विल सॉल्व चैप्टर चेकअप ऑफ चैप्टर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर एंड एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें इसको रेशियो फॉर्म में दिखाना है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब लोवेस्ट हमें उसको लेके आना है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम नोटबुक में करेंगे। सो देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, उस दोनों भी नंबर को कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 19/38 है, तो ये 19 ones are 19, 19 2s are 38। 19 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आते हैं, इसीलिए ये कैसे लिखना है आपको, 1:2। यहाँ पे भी देखो 65/100 है, तो लास्ट में 5 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये दोनों भी नंबर 5 के टेबल में आते हैं, इसीलिए ये दोनों को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो क्या मिला, 13/20, मतलब 13:20। में देखो मीटर एंड किलोमीटर है, तो आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 200 ऊपर एज इट इज एंड नीचे 1 meter इज इक्वल्स टू 1000 meter, तो 2 kilometer इज इक्वल्स टू 2000 meter। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 upon 20, और 2 ones are 2, 2 tens are 20, इसीलिए क्या आया, 1:10। यहाँ पे भी केजी एंड ग्राम है, तो हम 1 kg को 1000 gram में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 10/5। सो 5 ones are 5, 5 2s are 10 किया, क्या मिला, 2:1। एफ में पैसे एंड रुपीज है, तो 50 पैसे तो एज इट इज रहेगा एंड रुपीज 30 को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। सो आपको पता है 1 rupees is equals to 100 paise, इसलिए 30 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मिला मुझे 3000। तो यहाँ पे 110 कैंसिल हो जाएगा, 5/300 बचा, और आपको पता है 5 के टेबल में, मतलब 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो क्या मिला, 1/60, मतलब 1:60। तो ये बहुत इजी था, तो हो गया। अभी ए जो है वो भी इजी है, लेकिन आपको पता है कि ये 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, दोनों भी नंबर। तो यहाँ पे 4 7s are 28 और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 2s are 8, 4 2s are 8, मतलब ही आंसर क्या मिला, 22:7। आपको पता है ना लोवेस्ट सम में मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक नंबर प्राइम होता है, मतलब वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, खुद के और 1 के टेबल में आते हैं, या फिर 1 होता है दोनों में से किसी एक नंबर में, या फिर एक प्राइम होता है एक कंपोजिट होता है, या फिर दोनों भी प्राइम होते हैं। समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10 एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। मतलब हमें 10/2 करना है। सो हमारा रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन इज टू कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेन है 10 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल है 2, मतलब ही ये ऐसे हो गया, आपको पता है ना 10/2, तो 2 ones are 2, 2 5s are 10, 5:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 meter एंड ब्रेथ इज 50 cm, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ टू द रेक्टेंगल। मतलब लेंथ टू ब्रेथ, ऐसे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर दिया है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। सो सी, यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा है लेंथ इज इक्वल्स टू 2 meter, मतलब 200 cm, एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 50 cm, तो रेशियो क्या बना, 200/200:50, मतलब ये ऐसे मैंने सॉल्व करके नहीं लिखा है, ऐसे ही लिखा है। तो 5 ones are 5, 5 4s are 20, सो 4:1 इज द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रमन नलिनी एंड गुरप्रीत प्लांटेड ट्रीज इन देयर स्कूल ड्यूरिंग द वन महोत्सव सेलिब्रेशन। वन महोत्सव सेलिब्रेशन था, तो रमन नलिनी एंड गुरप्रीत ने कुछ ट्रीज प्लांट किए। रमन प्लांटेड 20 trees, नलिनी प्लांटेड 24 एंड गुरप्रीत प्लांटेड 34। तो ए में क्या बोला है हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय रमन टू डोज प्लांटेड बाय नलिनी, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले तो मैंने गिवन लिखा कि रमन नलिनी एंड गुरप्रीत ने कितने प्लांट किए हैं, फिर रमन टू नलिनी बोला है, तो रमन ने 20, नलिनी ने 24, मतलब 20/24, ये दोनों भी नंबर 4 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 4 से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला, 5/6, तो उनका रेशियो क्या बन गया, 5:6। बी में बोला है
रमन टू गुरप्रीत का रेशो फाइंड आउट करने के लिए। तो रमन का 20 है, गुरप्रीत का 34 है, ये दोनों भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 10:17। सी में बोला है नलिनी एंड गुरप्रीत का रेशो फाइंड आउट करने के लिए, तो नलिनी 24, गुरप्रीत 34, तो दोनों भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड किया मुझे क्या मिला 12:17। डी में बोला है नलिनी टू रमन, तो 24/20 किया क्या मिला 6:5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द टेलीफोन बिल ऑफ अ फैमिली फॉर द मंथ ऑफ जून वेयर इन द रेशियो 6:16। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन का बिल है एक फैमिली का जून मंथ का, कितना है रेशियो 6:16, 800 मोर वॉज पेड फॉर द टेलीफोन देन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच वॉज पेड फॉर ईच। अब यहाँ पे टेलीफोन के लिए ज्यादा 800 ज्यादा बिल पे किया है इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमें दोनों का भी जो बिल है अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जितना भी आपके क्वेश्चन में दिया है वो पहले ऐसे लिखा करो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पता नहीं है तो उसको हमने एक्स कंसिडर किया, टेलीफोन बिल भी हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से 800 ज्यादा पे किया है टेलीफोन बिल को, है ना, इसीलिए एक्स प्लस 800 लिखा हमने। हमारा रेशियो क्या है 6:16, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू टेलीफोन बिल, और ये क्या है उनकी अमाउंट है एक्स एंड एक्स प्लस 800, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये कैसे सॉल्व किया आप लोग देख लो, ब्रैकेट के बाहर 6 है तो हम 6 × x 6x, 6 × 8 = 48 और ये 2 0, ये 16x तब तक एज इट इज रहेगा, फिर वो इस साइड आ जाएगा तो -16 हो जाएगा, और ये 4800 उस तरफ चला जाएगा इक्वल टू के, तो -4800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -10x हो गया। अब ये 10 मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, है ना, तो वो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब दोनों भी नंबर माइनस होते हैं तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो डिवाइड किया आंसर क्या मिला 480। डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने एक्स कंसिडर किया था ना यहाँ पे, तो कितना है ₹480, तो टेलीफोन बिल कितना होगा उसमें हम 480 ऐड करेंगे तो 1280। क्वेश्चन नंबर 6, देवेंद्र डिवाइडेड हिज कलेक्शन ऑफ 720 स्टैम्प्स अमंग हिज फ्रेंड्स रवि, पूजा एंड स्वाति इन द रेशियो 5:4:7, हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड ईच ऑफ देम रिसीव। देवेंद्र के पास 720 स्टैम्प्स थे तो उसको उसने रवि, पूजा एंड स्वाति में बांट दिए, ठीक है, डिवाइड किए, और उसका रेशियो क्या है 5:4:7, तो सबको कितने स्टैम्प्स रिसीव हुए हैं मिले हैं ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हम उनके शेयर को, मतलब उनको जितना भी मिला है उसको एक्स कंसिडर करेंगे और रेशियो के साथ। अभी रवि का कितना है 5x, पूजा 4x, स्वाति 7x, टोटल स्टैम्प्स कितने हैं 720, तो हम उनको ऐड करेंगे, तो देखो 16x मिला हमें यहाँ पे 720 एज इट इज। अभी ये 16x एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड किया आंसर क्या मिला 45, तो एक्स की वैल्यू हमें 45 मिली, वो हम इसमें पुट करेंगे। रवि का शेयर क्या है 5x, तो 5 × 45 225 स्टैम्प्स उसको मिले। पूजा का शेयर कितना है 4x, मतलब 4 × 45 180। स्वाति का शेयर कितना है 7x, मतलब 7 × 45 315। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 10B में सॉल्व किया है। देखो तो यहाँ पे मैंने, वहां पे मैंने दो मेथड दिखाए थे, यहाँ पे मैं एक ही मेथड से आपको दिखाऊंगी, ये बहुत इजी मेथड है। क्या करना है हमें, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल है कि नहीं वो बताना है। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तो 10 × 45 क्या मिला 450, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब 10 × 30 × 15 क्या मिला 450, तो दोनों भी सेम है हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन। बी में भी सेम 8 × 30 = 240 एंड 14 × 5 = 200, तो दोनों भी इक्वल नहीं है हेंस दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट सी, ₹5:20 इक्वल टू 75:3, तो यहाँ पे आपको इस रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, 1 rupees = 100 paise, तो 5 rupees मतलब 5 × 100 = 500 paise, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 500 × 3 = 1500 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स = 20 × 75 = 1500,
is there in proportion. Last D, 50 gram is to 2 kg, 5 liter is to 40 liter. यहाँ पे लीटर लीटर ठीक है, एक ही यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ग्राम केजी अलग अलग यूनिट है. तो हम 1 केजी इज़ इक्वल्स 1000 ग्राम आपको पता है, तो 2 केजी को हमने 2000 ग्राम में कन्वर्ट किया. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंट क्या मिला, 50 इंटू 40 2000, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2000 इंटू 5 10000. ठीक है, सो दोनों भी अलग अलग है, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. अवर चैप्टर जेकब क्वेश्चन नंबर 1 टू 7 इज ओवर. इन नेक्स्ट पीरियड वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.